अपने एरियाज़ डिफ़ाइन कर ले जिसके ऊपर हम तमाम अपने एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अच्छा ये भी हो सकता है कि हमारे पास एरिया के अलावा हम चाहें कि दो लेवल के ऊपर हम देखें कि ये काम किस तरीके से हो रहा है मिसाल ये है कि हमने अपने पास डिफ़ाइन किए हुए हैं मुख्तल इलाके अगर हमारे पास चार सूबे हैं तो हमने चारों सूबों को अपनी अपनी क्लास डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारी वहाँ कितनी सेल हो रही है लेकिन हम उसके अंदर ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे पास वहाँ किस टाइप की सेल हो रही है मिसाल के तौर पर हमारे पास हर सूबे के अंदर हमारी सर्विसेज कितनी बिकती हैं और हर सूबे के अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने बिकते हैं इसी तरह हमारे पास कोई भी क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन मुमकिन है कि हो जिसके ऊपर हम अपना पूरा अकाउंटिंग जो है वो सेटअप करना चाहें जितनी चीज़ें आप करना चाहेंगे इसके बारे में आप का जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और आपकी मैनेजमेंट है वो पहले सर जोड़ के बैठेगी और डिसाइड करेगी कि हमें कितने लेवल तक ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन रखनी है और रिपोर्टिंग करनी है ताकि हमारी तमाम रिक्वायरमेंट जो है एनालिसिस की वो पूरी हो सके इससे आपकी जो स्टेचरी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही जाती हैं लेकिन असल काम होता है एनालिसिस का कंपनी को पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है किसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ये मुमकिन ही उस वक्त है जब आप अपने बिजनेस को क्लासीफाई कर सकें कि हम क्या क्या काम करते हैं कहाँ कहाँ काम करते हैं और जहाँ जहाँ भी हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न किस टाइप का मिल रहा है तो क्लासिफिकेशन बेसिकली जितनी ज़्यादा लेवल्स की होगी उतनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी और बज़ दफ़ा जितनी ज़्यादा डिटेल्ड होती है उतनी रिकॉर्ड करना थोड़ी सी मुश्किल होती है तो बेसिकली आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि हमने अपने बिज़नेस को ब्रेक डाउन कितनी क्लासेस में करना है जिस तरह स्कूल में अगर आप जाते हैं तो दस जमातें या दस क्लासेस तो होती हैं लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन मौजूद होते हैं क्लास थ्री ए बी सी डी ई इसी तरीके से हमारे पास भी प्रोविज़न मौजूद है तरीक़ार हमें क्विक बुक्स देता है हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपने पास विद इन क्विक बुक्स बहुत सारे डिवीज़न बना लें और इन डिवीज़न के अंदर हम अपनी तमाम जो डेटा रिकॉर्डिंग है इनकम और एक्सपेंस की वो करते चले जाएं पहले हम आइए चलते हैं क्विक बुक्स पे और देखते हैं कि हम क्लासेस और सब क्लासेस किस तरह से बनाएंगे और फिर देखते हैं कि उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे तो लेट्स गो ओवर टू आर क्विक बुक्स आपको मैंने पहले भी बताया लेकिन हम क्लासेस के लिए सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि प्रेफरेंस में हमने अपने पास क्लासेस को ऑन करके रखा है या नहीं क्लासेस को आपने हमेशा टिक मार्क करके उनको एनेबल करना है ताकि यूज़ क्लास ट्रैकिंग फॉर आर ट्रांजेक्शन और प्रॉम्प टू असाइन क्लासेस इसका मतलब यह है कि अगर आपने कहीं गलती से क्लास नहीं दी तो आपको सिस्टम या क्विक बॉक्स प्रॉम्प्ट करेगा कि आपने यहाँ क्लास नहीं दी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें हमने क्लास ट्रैकिंग रखनी है क्यों हमने अपने पास अपने बिज़नेस को डिवाइड और सब डिवाइड कर दिया है डिफरेंट डिविजन्स में और हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम अपने पास इन्वोक कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने प्रेफरेंसेस में आके क्लासेस को इनेबल करना है और ओके okay करना है अब जब हमने ये ओके okay कर दिया तो हमारे पास इसका मतलब है ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है अब हमने क्लासेस रजिस्टर करनी है कहाँ रजिस्टर करते हैं आपको तो पता ही है कि हमने ये सारी चीज़ें जो हमने करनी है वो है अपनी लिस्ट में और ये क्लासेस हैं इसलिए ये करना है हमने क्लास लिस्ट में हमारे पास इस वक्त चंद चीज़ें मुख्तलफ़ पहले से यहाँ मौजूद है जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसज़ भी है बिल्डिंग मटीरियल भी है अच्छा ये क्लासीफिकेशन ये लेवल्स ऑफ क्लासीफिकेशन ये डिविजन ये कैटेगराइजेशन ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मैनेजमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है जो कि इसके ऊपर रिपोर्ट्स बनवाएगी आपने अपने तौर से तो रिपोर्ट्स बनानी नहीं है सिस्टम ने बना के देनी है इसलिए आपने ये क्लासिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की कैटेगरीज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर डालें उन्होंने आपको बताना है कि किस तरीके से हो सकता है अभी हम जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है हम एरिया वाइज और अपनी जो हम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेस करते हैं वो वाइज क्लासेस बना सकते हैं अच्छा इसको ऊपर वाली मेन क्लास कौन सी रखनी है नीचे वाली सब क्लास कौन सी रखनी है इसका डिसीजन करेगी आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट मिसाल ये है कि हम ये कहते हैं कि एरिया वाइज़ हम ये देखना चाहते हैं एरिया वाइज़ आप बताएं हमें कि हमारी बिल्डिंग से कितनी आमदन हो रही है बिल्डिंग मटेरियल बेच के और कंस्ट्रक्शन करके हमें कितनी आमदन हो रही है हमारे मुख्तलफ़ एरियाज से दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम कहेंगे नहीं आप बताइए कि बिल्डिंग मटेरियल बेच के हमें क्या फ़ायदा होता है और सर्विसेज बेच के क्या फ़ायदा होता है और ये दोनों चीज़ें एरिया वाइज़ बताएं बिल्डिंग्स तमाम एरिया सर्विसेज, तमाम एरिया तो ये फाइनलाइजेशन के कौन सी आपकी मेन कैटेगरी होगी कौन सी सब क्लासिफिकेशन होगी ये आपके डिपार्टमेंट का काम है अच्छा अब हम इन दोनों के नीचे सब क्लासिफिकेशन बनाते हैं हम कहते हैं जी एरिया वन या प्रोविंस वन और ये है सब क्लासिफिकेशन हमारे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की और बिल्डिंग मटेरियल में भी हम इसी किस्म की क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं अब हमने दोनों जगह प्रोवेंस वन खोल लिए हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ में भी और बिल्डिंग मटेरियल में भी अब हमारे पास तरीकेकार आ गया है कि हमारे पास मेन लेवल और सब लेवल दोनों मौजूद हैं हम इसके बेसिस पे अब अपनी बाकी तमाम ट्रांज़ेक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन अगर हमने प्रोवेंस वन ही बनाना था तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि कुछ और चीज़ इधर डालते इसलिए हमने एक एक प्रोवेंस दोनों के नीचे और खोल लेते हैं जैसे कि आपको पता है हर चीज़ न्यू से खुलेगी क्योंकि हम नया बना रहे हैं अब आप देख सकते हैं क्लियरली आपको विजिबल है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में भी दो प्रोवेंसेज खुल गए हैं बिल्डिंग मटेरियल में भी दो प्रोविंस हमने रजिस्टर कर लिए हैं अब हम अपनी जितनी रिकॉर्डिंग करेंगे वो एज पर ये इंफॉर्मेशन होगी और हमारी जितनी रिपोर्टिंग होगी वो भी इसी बेसिस पे पॉसिबल है आइए चंद इन्वाइसिस बना के हम चेक कर लेते हैं और यहाँ जो हम क्लास चूज करेंगे इसके लिए प्रोविंस टू है अब हमने इसके अंदर दो मुख्तल इन्वाइस बना ली हैं और इसमें हमने दो मुख्तलिफ़ हेड्स इस्तेमाल किए हैं दोनों को हमने सेव कर दिया है रिपोर्ट्स आपको पता ही है हम कौन सी देखना चाहेंगे जिसमें क्लास के थ्रू ये हमारी जो डिटेल्स हैं वो नज़र आ सकें अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल री मॉडल्ड ये तमाम डिटेल हमारे पास मौजूद है और जो अनक्लासिफाइड थी वो भी हमें यहाँ नज़र आ रही और प्रोविंस वन और प्रोविंस टू जो हमने अभी नई नई सब क्लासिफिकेशन की है वो भी अब हमें इस पूरी स्कीम में नज़र आ रही हैं इसी तरह से हम जितनी आने वाली हमारी जो डेटा एंट्री है उसको अगर हम इस नौीयत से दोबारा से रीशेप कर लें कि हम सारी रिकॉर्डिंग आप इन क्लासेस पे करेंगे तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके तहत यहाँ क्लासीफाई होना शुरू हो जाएंगी तो बेसिकली क्लासीफिकेशन हमारी कैसे होती है क्लास वाइज बिल्कुल उसी तरह से होती है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मेन क्लासिफिकेशन के अलावा जो सब क्लासिफिकेशन वो क्या है रिकॉर्डिंग सारी उसी तरह से होगी जो चीज़ अनक्लासिफाइड थी वो भी हमें साइट पे नज़र आ रही है कि ये इस तरह के हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जो कि क्लासिफाइड नहीं है एक्सपेंसेस और इनकम जितनी क्लासिफिकेशन के साथ आप सेव करना चाहेंगे उतनी एनालिसिस में आपको फ़ायदा रहेगा हो सकता है कि बहुत सी ऐसी सेल हो जो किसी क्लासिफिकेशन में लाई ना कर रही हो आपने कोई चीज़ ली और अपने ही किसी और अपने टाइप के बिजनेस को बेच दी क्योंकि वहां उनके पास कमी थी उनको ज़रूरत थी और ये क्लासिफिकेशन में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने एट कॉस्ट ही उसे चीज़ें दे दी हैं जो चीज़ आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपको नज़र आएगी जो चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो आपको नज़र नहीं आएगी किस तरह से कस्टमाइज रिपोर्ट करते हैं ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे लेकिन आपको ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने जो नई क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन की है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी डिटेल रिपोर्ट मौजूद है क्लास अब आपको क्लियर है कि हमारा डिवीज़न सब डिवीज़न हो सकता है हमारे बिज़नेस का लेकिन इसकी पूरा दारोमदार आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे है और आपके मैनेजमेंट पे है कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन अपने पास मेंटेन करना चाहता है फॉर पर्पस ऑफ़ एनालिसिस क्योंकि एनालिसिस में ही ये चीज़ उजागर होती है कि हम किस टाइप ऑफ किस लाइन ऑफ बिज़नेस से कमाई ज़्यादा कर रहे हैं कहाँ हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं कहाँ रिटर्न ज़्यादा है ये सारी चीज़ें देखने के लिए जितनी क्लासिफिकेशन आप करेंगे जो कि आसानी से रिकॉर्ड की जा सके उतना ही आपको फायदा होगा आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी वी कैन यूज क्लासेज विद इन आर क्विक बुक्स अकाउंटिंग सिस्टम थैंक यू सो मच